हिमाचल प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों में 15 जून तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे। शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए शैक्षणिक कार्यों के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रक्रिया इसी कड़ी में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 15 जून 2020 तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यदि आवश्यकता पड़ी तो ये आगे भी बंद किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम जल्द निकाला जाएगा, जमा 2 का जो पेपर बचा है उसको भी जल्द लिया जाएगा और जमा 2 का परिणाम भी जून के अंत तक निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनलॉक के 3 चरण में स्कूलों को खोलने की स्थिति पर हित धारकों से बातचीत करने के बाद ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके तहत निजी विद्यालयों के प्रबंधकों, निजी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, अभिभावकों व आम लोगों से बातचीत कर ही राय प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों, अध्यापकों, अध्यापक यूनियन तथा अभिभावकों आदि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संबंध में बातचीत का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो एलिमेंट्री या सेकेंडरी बोर्ड स्तर की कक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं, जिसकी सूची यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ प्रदेश में विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। देखिए, अभी तो अनलॉक 1 चल रहा है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस के बारे में केंद्रीय सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसमें 3rd फेज में ही ये नंबर आएगा। और हमने हिंदुस्तान भर में 38 करोड़ विद्यार्थी जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो इस कोरोना वायरस से बचे रहे संक्रमण से। हिमाचल प्रदेश में भी 15 लाख के लगभग बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में वो सब संक्रमण से बचे हुए हैं। तो अब भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों तक जो है वो संक्रमण पहुंचे, इसलिए पढ़ाई देर से भी शुरू हो तो उसमें जो है कोई अनुचित नहीं होगा, क्योंकि जान बचाना प्राथमिकता है, जान है तो जान है। उनको जो है वो एक्टिविटी में मशगूल रहना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है पढ़ाई होनी चाहिए। इसके लिए हिमाचल सरकार ने सरकारी स्कूलों में भी और निजी विद्यालयों ने अपने निजी विद्यालयों में भी ऑनलाइन शिक्षण जो है प्रारंभ किया हुआ है। हमने स्कूल अभी जो है वो 15 जून तक बंद रखे हैं, आवश्यकता पड़ी उसे आगे भी बंद करेंगे। वेकेशन है आजकल हमारी, तो आगे वेकेशन होनी थी वो हमने एडवांस कर दी है अभी, और जो है उसमें 15 जून के बाद जो है हमारे पास स्कोप है। रिजल्ट्स भी अभी तक जो हमारे 10th और प्लस 2 के नहीं निकले हैं, हम 10th के रिजल्ट जो है बहुत जल्दी निकालने वाले हैं और प्लस 2 के भी एक पेपर हमको अभी एग्जामिनेशन होना है, बाकी हमारा सारे जो है वो इवेल्यूशन भी हो रही है और एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। प्लस 2 का भी हम जून के एंड तक जो है निकालने की संभावना रखते हैं। तो स्कूल कॉलेजेस को जो गाइडलाइंस हैं हमारी उसके मुताबिक 3rd फेज में ही खोलने की स्थिति आ सकती है और उसके लिए हम स्टेक होल्डर्स से जो है बातचीत करना ये भी आवश्यक है। हमने अभी तक भी प्राइवेट जो स्कूल चलाने वाले हैं उनसे भी बात की है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से भी हमने बात की है। हमें जो है वो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, आम जनता है, उनका भी ओपिनियन ले रहे हैं और अभी हम इसको निचले स्तर तक जो है बातचीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस पर जो है ले जाएंगे। हम अपने प्रिंसिपल्स, अध्यापक यूनियंस और पेरेंट्स भी जहाँ संभव हो सका उनसे सबसे बातचीत करेंगे जून महीने में और फिर उचित समय जब संभावना ये लगेगी कि वायरस का जो प्रकोप है वो कम हो रहा है
तभी स्कूल कॉलेजेस को फिजिकल पढ़ाई के लिए जो है खोला जाएगा। और अगर हमको उसमें भी कोई और तरतमीम करनी पड़ी तो हम सेक्शन वाइज जो है वो क्लासेस लेने की बात भी सोच सकते हैं। अल्टरनेटिव डेज पर हम अलग अलग क्लासेस जो है वो स्कूल में आए, और फिर हम छोटे बच्चों की पढ़ाई रोक करके केवल मात्र जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन वाली जो पढ़ाई है एलिमेंट्री या सेकेंडरी की उन तक ही सीमित रखें। और वैसे भी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनके तो अभी एग्ज़ाम होने हैं जिसका शेड्यूल यूनिवर्सिटी बनाएगी, और यूजीसी की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक 1 सितंबर से नया एकेडमिक सेशन जो है वो होगा, तो उसी के अनुरूप जो है वो अपने जो एग्जिट प्लान है वो हम बनाएंगे। लेकिन प्राइमरी जो हमारा उद्देश्य है वो बच्चों को संक्रमण से बचाना है, इसलिए हमको बहुत जल्दी नहीं है कि हम ऑनलाइन सिस्टम को जो है स्ट्रेंथन करने की ओर बढ़ रहे हैं।